चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे अपने घर परिवार में। एंड फाइनली मैं हॉस्टल आ चुकी हूँ, मुझे एक वीक तो हो ही गया हॉस्टल आए हुए, और अभी हम बहुत इंजॉय करेंगे मैं मेरी फ्रेंड्स, बिकॉज 2 साल या 1.5 साल जितना भी वो मतलब निकल ही गया है कि इंजॉय बिल्कुल नहीं किया। तो अभी 3 महीने रह गए जो डिग्री कंप्लीट होने में, उसमें पढ़ेंगे, ऐसा मत कहना कि नहीं पढ़ेंगे, पर इंजॉय जरूर करेंगे। तो आज की यूट्यूब वीडियो आपको पता लगी गई होगी कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। मैं करने वाली हूँ बात अपने ज्वेलरी कलेक्शन के ऊपर जो मेरे हॉस्टल में पड़ी है। मतलब घर में बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी है, पर यहाँ पे जो अवेलेबल है और जो मैंने न्यू मंगवाई है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ना कमी ज्वेलरी रखते हैं, मतलब ना नकली होती है, पर रखते जरूर है, और घूमने फिरने भी जाना होता है, पहननी होती है। सो मैंने थोड़े थोड़े वेस्टर्न इयरिंग्स मंगवाए हैं एंड थोड़े ट्रेडिशनल वाले, कि कभी कॉलेज में फंक्शन आ जाता है तो वहां पे भी पहनने पड़ते हैं, मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे इसलिए मैंने मंगवा लिए। सो स्टार्ट करते हैं, मुझे लिफाफे खोलने पड़ेंगे, तो पहले मैं लिफाफे खोल देती हूँ, सॉरी मैं पहले मैं इनके कवर खोल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। एंड मैं आपको साथ साथ में बताती रहूंगी कि मैंने कहाँ से खरीदा, पहले एक पेज का बता दूंगी फिर दूसरे पेज का। तो पहले मैं ट्रेडिशनल दिखाऊंगी या फिर वेस्टर्न टाइप वाले, मतलब बीच बीच में दिखाती रहूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले ट्रेडिशनल वाली इयरिंग्स से, और मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, बहुत प्यारे हैं, देखो अच्छे लग रहे ना सेम, बहुत ज्यादा मुझे अच्छे लगे, इसे मैंने मंगवा लिए क्योंकि इसमें देखो स्टोन काफी अच्छे हैं। या नेक्स्ट है ये वाला, इसके साथ ये चोकर है, मैं साथ साथ ना को डाल के दिखाती हूँ। 2000 years later तो मैं दूसरा इयररिंग नहीं पहनूंगी, ये है बस ऐसे देख लो साइड लुक। सेकेंड ज्वेलरी है ये, इसमें इसके साथ ये चोकर आया, और ये झुमके झुमके वाले छन छन वाले इयररिंग्स हैं, और बहुत ज्यादा प्यारा सेट है। इसे वैसे इसमें अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर सूट्स के साथ पहनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जो ये ज्वेलरी दिखा रही हूँ ये मैंने मंगवाई है AK स्टोर से, इंस्टाग्राम पेज है, और ये भी एक चोकर सेट है कह सकते हैं। इसे आप वेस्टर्न के साथ भी पहन सकते हो, जैसे हम लोग श्रग पहनते हैं उसके साथ भी वेयर कर सकते हो, और ये इयररिंग भी है बहुत प्यारे प्यारे से। है ना, आप ऐसे घूमने जाओगे एंड ऊपर श्रग सी पहनी होगी और इसके साथ ये अगर चोकर डाला होगा, बड़ा सुंदर रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा दिखा देते हैं, हाँ ये वाला देखो, ये वाला बहुत प्यारा है, बहुत प्यारे इयररिंग्स है ये वाले, मतलब मुझे ये अच्छे लगे इसलिए मैंने मंगवा लिए कि शादी ब्याह में डाल सकते हैं ना। नेक्स्ट भी ऐसा वाला इयररिंग्स मेरे पास है पहले भी, पर वो गोल्डन कलर में है, इसलिए मैंने ये अभी सिल्वर कलर में मंगवाया है, जो क्या कहते हैं इसे बंजारा ज्वेलरी कहते हैं, तो उसमें मैंने मंगवाया है। एंड इसी पेज से मैंने ये बहुत ज्यादा प्रिटी चेन मंगवाई है, एंड बहुत प्यारी है, मतलब मुझे तो इसी पेज से मैंने ये बहुत ज्यादा प्रीटी चेन मंगवाई है। मुझे काफी टाइम से था कि मैं ऐसे 3 लेयर वाली चेन मंगवाऊं, एंड बट मतलब कहीं से मिल नहीं रही थी, मुझे अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, तो फाइनली अब मेरे पास है, एंड ये बहुत प्यारी, कल मैंने वियर की थी तो मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। और हाँ ये वाली चेन से जैसे ये मैंने अभी ड्रेसअप किया इसके साथ बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसके साथ मैंने एक और मंगवाया थी, ये भी 3 लेयर चेन है और ये भी बहुत ही ज्यादा प्यारी है, और इस पे यहाँ पे अर्थ बना हुआ है, अर्थ मेरी दुनिया मेरा स्वर्ग। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी वेस्टर्न इयररिंग्स मैंने मंगवा रखे थे, ट्रेडिशनल वालों का काम खत्म हुआ, चेन्स मैंने आपको दिखाए वो भी बहुत ज्यादा सुंदर है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ वेस्टर्न इयररिंग्स। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बहुत क्यूट क्यूट से पेंडेंट्स मंगवाए हैं और इयररिंग्स हैं, तो पहले मैं आपको पेंडेंट दिखाती हूँ, नहीं पहले इयररिंग दिखाती हूँ। चलो ये इयररिंग है, ये वाला जो मैंने फर्स्ट डे वियर किया था तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब मैंने कभी वियर नहीं किया, पर मैंने अब जब वियर किया था तो मुझे बहुत ज्यादा प्रीटी लग रहा था, ऐसे में आता है, ऐसे में बहुत ज्यादा प्रीटी लगता है ये वाला, एक कान में डालो
और एक ही है पेंडेंट, ये देखो वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, बटरफ्लाई वाला पेंडेंट। एंड ये मैंने मंगवाया है इंस्टाग्राम पेज से ही, बैंड दी ट्रेंड, उनके पास बहुत क्यूट क्यूट कलेक्शन है। ये भी देखो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। ये दो चार पेंडेंट्स मैंने मंगवाए हैं, बहुत ही लिटरली बहुत ज्यादा सुंदर है। ये तो मैंने कुछ क्लिप्स मंगवा लिए थे, हेयर पिन अभी लगा ही लेती मैं साथ में। ये वाले कुछ मैंने क्लिप्स मंगवाए हैं, ये भी बहुत क्यूट क्यूट है। अब पता नहीं मैंने कहाँ वियर करने, लेकिन जो मुझे लगी चीजें क्यूट मैंने वो मंगवा ली, क्योंकि मुझे क्यूट क्यूट चीजें बहुत पसंद है। और एक ये वाले इयररिंग्स हैं, ये भी बहुत प्यारे हैं, मतलब लाइक पहले एक लॉकेट सा वो क्या कहते हैं चेन से आई है, एंड देन हार्ट है, बहुत क्यूट क्यूट है, मतलब बहुत प्यारा है। फिर मैंने मंगवाए हैं ये बहुत क्यूट से इयररिंग मुझे लगे, क्योंकि अलग अलग कलर के, और आजकल काफी ट्रेंड चल रहे हैं, अलग अलग शूज पहन रहे हैं लोग, अलग अलग यहाँ की टी शर्ट भी अलग अलग होती है कि जैसे इधर इधर साइड वाली, एंड तभी मैंने अलग अलग इयररिंग्स भी मंगवाए हैं, बहुत ज्यादा क्यूट है। तो मैंने ये मशरूम इयररिंग्स भी मंगवाए हैं, ये भी बियर करूंगी मैं किसी के साथ, अभी वैसे सोचा नहीं है। एंड ये देखो ये भी अलग कलर का मंगवा रखा है, एंड ये भी बहुत ज्यादा क्यूट है। तो ये थी मेरी कलेक्शन, पुरानी कलेक्शन क्या था कि कुछ जो इयररिंग्स यहाँ पे पड़े हुए थे वो मैंने यहाँ पे आके देखा तो वो बहुत बेकार हो गए, मतलब उनमें जंग जंग सा पता क्या लगा है वो, आई डोंट नो, मैंने फेंक दिया उनको, इसलिए मैंने न्यू कलेक्शन मंगवाई है। और घर से वैसे मैंने ऑर्डर करी थी तो यहाँ पे टाइम से पहुंच गई थी। तो दीज आर माई कलेक्शन एंड आई लव दिस, मेरी कलेक्शन थी, एंड होप आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो आज की मेरी डीओपी है मिस सिमरन कौर, जो वीडियो बना रही है। सिम अपना चेहरा दिखाइए, अगली वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।